सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ शहर में राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में आज महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा ने विद्यालय में उपस्थित सभी बच्चों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। साथ ही विद्यालय द्वारा लंपी बीमारी में गौवंश के सहयोग के लिए धन संग्रहण करने वाले अभियान का शुभारंभ भी किया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक स्तर के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एवं विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार जांगिर ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ये सरकार ने यह तय किया कि हमारे महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती है, इसको बहुत शानदार तरीके से मनाया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको पूरा विश्व याद करता है ऐसे महामानव को, तो आज उनकी जयंती को ये सरकार की आदेश थे कि हर विद्यालय में ये जयंती शानदार पूर्वक मनाई जाए और छात्रों को, बच्चों को इस बात का भी ध्यान हो कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े, जो एक प्राणी नहीं थे वो बहुत बड़े विचार थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, जो लाल बहादुर शास्त्री जी, मैं मानता हूँ कि ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री भारत में, क्या पूरे विश्व में ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री शायद दूसरे ही होंगे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और जिन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया था, जहां हमारा देश गेहूं का आयात करता था, लाल बहादुर शास्त्री जी की वो देन है कि आज भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है। सभी बच्चों ने आज विद्यालय में, मैं प्रिंसिपल साहब को और सीबीओ साहब को उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस आज के इस जश्न को इतना शानदार बनाया कि हम सब लोग जितने भी यहाँ आए इस कार्यक्रम को देख करके अद्भुत रह गए। और हम आज इससे प्रेरणा हम भी लेके जा रहे हैं कि हर साल 2 अक्टूबर को इन दोनों महापुरुषों की जयंती को और भी शानदार तरीके से मनाएं।